بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, heterocyclic chemistry में nomenclature का next lecture, second lectures. Second lectures में हम पढ़ रहे थे Hunsich Widmann system और आगे हम चलते हैं fused ring system. Fused ring system क्या होता है कि ring fused हो जाती है, यानी कि आप ये देखें two rings जो हैं वो fused. ठीक है, सपोज ये 5 मेंबर रिंग है. ठीक है, इस तरह तो फ्यूज रिंग सिस्टम में हम नेमिंग कैसे देते हैं आपको जो है फ्यूज रिंग सिस्टम के अंदर जो है. तो फ्यूज हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर साइक्लिक स्ट्रक्चर. टू साइक्लिक स्ट्रक्चर या मोर, एक बेंजीन है और एक ये 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग पाइरोल. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं द साइक्लिक स्ट्रक्चर यूनिट्स कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स एंड आर फ्यूज्ड इन अ सच वे दैट ईच स्ट्रक्चरल यूनिट हैज वन बॉन्ड कॉमन विद अदर्स. ठीक है ना, एक बॉन्ड जो है वो आप देख सकते हैं कि कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये वन बॉन्ड जो है वो कॉमन होगा. इनके रूल्स, अगर हम रूल की बात करें, इसमें रूल्स क्या होंगे नेमिंग के. ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक रिंग. सबसे पहला रूल्स क्या होगा, द फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम इज डाइसेक्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट इन विच वन इज बेस कंपोनेंट एंड अदर इज अटैच कंपोनेंट. एक जो होगा इसमें से हम बेस कंपोनेंट मानेंगे और अदर अटैच, यानी कोई भी जो है वो अटैच होगा. The component are given their recognized tribal name. अगर possible है इनका tribal name, जो possible है drive name, तो वो हम देंगे, नहीं तो फिर systematic name is used, वो भी किया जा सकता है. The base component should always be a heterocyclic system. The base component जो है वो heterocyclic system होगा, ना कि ये heterocyclic नहीं, benzene है. ठीक है, तो जिसमें hetero atom लगा हुआ है वो heterocyclic system. If there is a choice, it is determined by the order of the preference. अगर choice है तो फिर हम देखेंगे कि preference जो है वो किसको दी जाए. ठीक है, तो selection of the base components कैसे होगा कि आपको, for example हम nitrogen containing एक example ले लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास 6 member, जैसे कि ये है 6 member ring, या इसको कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा सकते हैं पिरिडीन. ठीक, सपोज एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया, एक हम सल्फर कंटेनिंग कर देते हैं. ठीक है, सल्फर यहाँ पे लगा. ठीक, अब इसको हमने नाम, नेमिंग जो है नेम देना है कि नाम क्या होगा, नेम फोर्थ. ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, अब इधर सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक है और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक और सल्फर दोनों हेट्रोसाइक्लिक है. हमने पढ़ा था बेस कंपोनेंट क्या होगा, हेटरोसाइक्लिक बेस कंपोनेंट होगा दूसरा अटैच. तो अगर नाइट्रोजन सल्फर यहाँ पे आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो कहेंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट इज सेलेक्टेड एज अ बेस कंपोनेंट. अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है तो वो एज अ बेस कंपोनेंट होगा. यहाँ पे क्या है, पिरिडीन, तो पिरिडीन जो है वो बेस कंपोनेंट होगा, ये याद रखें. ठीक है, और ये जो थायोफीन है वो अटैच कंपोनेंट हो जाएगा. If nitrogen is absent, then the ring with the other heteroatom is selected as base component, order of the preference in the table जो हमने preference पढ़ी थी, आगे भी मैं आपको preference बता दूंगा. अगर हम यहाँ पे nitrogen को remove करा दें तो अब क्या होगा कि nitrogen absent है तो ये क्या हो जाएगा, base component thiophene हो जाएगा. ठीक है, दूसरा benzene है तो benzothiophene इसको कह देंगे. ठीक है, ऊपर pyridine था तो pyridine जो है वो base component था इससे पहले. तो इसी तरह अब अगर हम देखें कि जो प्रेफरेंस है, सपोज आपके पास ये आ जाता है कंपोनेंट सल्फर और, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एंड सल्फर कंटेनिंग, तो ये सैचुरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड. अब क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन हमने पढ़ा था प्रायोरिटी जो है वो ऑक्सीजन को देंगे, तो ऑक्सीजन ज्वाला जो होगा वो फिरॉन
तो यहाँ पे बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फिरॉन। यानी अगर इसको सपोर्ट सेपरेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस कंपोनेंट है, तो फिरॉन जो है वो बेस कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स आ जाए विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द रिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रिंग्स आ जाती है, ठीक है, इस तरह 3 रिंग्स, इसको हम देख लेते हैं। और इसके अंदर सपोज हम कह रहे हैं नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट है और यहां पे, ठीक है, तो ये सारा एरोमेटिक होगा, तो ये आप इसको एरोमेटिक कर दें यहां पे, ठीक है, ये ठीक। तो कंपोनेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द रिंग इज सिलेक्टेड एंड नेम विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल नेम इफ पॉसिबल। तो इसका ट्राइबल नेम तो आप सबको पता है क्या है, क्यूनोलिन, ठीक है ना, क्यूनोलिन इसका ट्राइबल नेम हो जाएगा, ठीक है। क्यूनोलिन जो है वो 3 जो है 3 एरोमेटिक रिंग है, जिसमें एक पिरिडीन वाला है और दो ये नाइट्रोजन कंटेंट डायजो वाला होगा। तो ये कुछ रूल्स हम पढ़ रहे हैं जो किसके लिए, फ्यूज रिंग सिस्टम में जो रूल्स होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अगर इफ रिंग अनइक्वल, यहाँ तो इक्वल्स रिंग है ना, 5 मेंबर ये जैसे कि इसमें अनइक्वल है, तो अनइक्वल रिंग में आप क्या करेंगे, अनइक्वल रिंग आ जाती है तो ठीक है, अनइक्वल रिंग सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेस कर देता हूँ, अनइक्वल रिंग्स यहाँ पे ले लेते हैं, अनइक्वल रिंग क्या होगी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 6 मेंबर, ठीक है, और आप इसको कर लें कि 5 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर रिंग दोनों में सपोज 5 हो रही है। अब ये क्या है, आपके पास अनइक्वल रिंग है, यानी साइक्लिक मेंबर्स में एक 6 मेंबर है और एक 5 मेंबर रिंग है। If ring of unequal size are present like that, then the one with the largest size of the ring is selected. तो largest size of the ring जो है वो base component होगा, ये जो है वो क्या है, pi ring, तो ये as a base, यानी कि 6 member ring जो का वो base component होगा आपके पास pi ring, ठीक है। If ring or if the rings और इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटरोएटम आर प्रेजेंट, तो रिंग जो है वो इक्वल साइज हो लेकिन जो है वो डिफरेंट एटम्स उसमें मौजूद हो तो क्या करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। इक्वल साइज, ये इक्वल साइज 5 मेंबर रिंग हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 मेंबर रिंग, ये आपके पास 5 मेंबर रिंग आ गई यहाँ पे भी नाइट्रोजन एरोमेटिक है, तो ये अनसैचुरेशन इसमें ज्यादा होगी, ठीक है, और ये सपोज हेटरोएटम्स ज्यादा ले लेते हैं, 3 2 नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ठीक है ना। इफ रिंग इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटरोएटम आर प्रेजेंट, फिर क्या करेंगे हम, देन द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटरोएटम ऑफ एनी काइंड इज कंसीडर एज अ बेस कंपोनेंट। तो इसमें एक हेटरोएटम इसमें ग्रेटर है तो हम इसको एज अ बेस कंपोनेंट, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। तो ऑक्स या वो बता ऑक्सीजन प्रायोरिटी पहले लिखते हैं, ऑक्स का मतलब ऑक्साजोल और नाइट्रोजन का मतलब एजेड, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर इसको सेपरेट करें डाइसेक्स तो ओ एल ई, ठीक है ना, ऑक्साजोल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट। तो ऑक्साजोल क्यों हमने लिया, क्योंकि इसके अंदर हेटरोएटम जो है वो ज्यादा है, ठीक है, हेटरोएटम क्या है, ज्यादा हो गए, तो हेटरोएटम की वजह से हम इसको कहते हैं रॉक, ठीक है। और इफ 2 हेटरोएटम्स ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है ना, रिंग की हमने पढ़ा था डिफरेंट हेटरोएटम आर प्रेजेंट इन द कंपोनेंट रिंग विद द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ हेटरोएटम इज सिलेक्टेड, ठीक है। इफ 2 हेटरोएटम्स ऑफ द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंपोनेंट कंटेनिंग हेटरोएटम, तो वो कौन सा होगा, अगर दोनों में यानी कि इधर भी आ जाए उधर भी हो, सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सल्फर यूज कर लें, तो आपके पास ये इस तरह का हो जाए, हमने कुछ नहीं किया सिर्फ इसमें। अब दोनों में क्या है, दोनों इससे पहले किया था हमने क्या, ऑक्साजोल था तो इसको रिमूव कर दो, ये ऑक्साजोल नहीं है, ठीक है।
तो इफ टू हेटरो एटम्स ऑफ द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट देयर कंपोनेंट कंटेनिंग हेटरो एटम्स अपीयरिंग फर्स्ट इन द टेबल इज प्रेफर्ड. जो हमने टेबल देखी थी उसमें प्रेफरेंस दी थी ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट वाले प्रायोरिटी वाला, तो फिर हम उसको कर देंगे ना कि सल्फर वाला. तो अगेन इसमें जो बेस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्साजोल ही होगा आपका, ठीक है, यहां तक ठीक है. इफ द रिंग साइज विद द सेम नंबर ऑफ नंबर्स एंड द सेम काइंड ऑफ हेटरो एटम्स आर प्रेजेंट, अगर सेम नंबर सेम साइज हो, सेम नंबर ऑफ हेटरो नंबर भी और सेम टाइप ऑफ हेटरो एटम्स आ जाएं. सपोज ये हम सिक्स मेंबर फ्यूज रिंग ले लेते हैं, ठीक है, सिक्स मेंबर इसमें हम हेटरो एटम लगा देते हैं, यहाँ पे दो एनी मोर देन हेटरो एटम्स क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के, ये एरोमेटिक रिंग है. इसी तरह यहाँ पे भी हम टू लिख, यहाँ पे वन टू पे है, यहाँ पे वन फोर कर, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड से दो वन फोर हो गया आपके पास. तो अब क्या करेंगे, इफ द रिंग ऑफ द सेम साइज विद द सेम नंबर ऑफ नंबर्स एंड सेम काइंड ऑफ heteroatoms are present, then the components containing the ring with the heteroatom which have lowest locant number is preferred. तो lowest number of preferred करेंगे, ठीक है. तो आप इसमें क्या होगा, lowest possible जो number है वो किस में है, components में, जो base component होगा हमारा, ठीक है, pyridine से निकला है ना pyridine, ठीक है, और AZ होता है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, पिरिडीन में ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है तो पिरिडीन, AZ फॉर एक और नाइट्रोजन, एजाइन यानी सिक्स मेंबर तो करता है पिरिडीन, तो ये बेस कंपोनेंट आपका होगा. तो बेस कंपोनेंट्स में हमने इसमें क्या देखा कि इफ द रिंग ऑफ द सेम साइज विद द सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटरो एटम आर प्रेजेंट देन द कंपोनेंट्स कंटेनिंग द रिंग विद द हेटरो एटम which have the lowest locant number is preferred, जो lowest number, ठीक है, यहाँ तक आ गए, I hope कि आपको clear हुआ होगा. तो attached component का क्या होता है, तो attached जैसे यहाँ पे भी अभी तक हम base बता रहे थे कि base components क्या होगा, तो attached component is added as a prefix to the name. Suppose benzene है तो benzo या benzene, ठीक है, द बेस कंपोनेंट, तो बेस कंपोनेंट से पहले हम प्रीफिक्स के तौर पे उसको नाम लिख देंगे, टर्मिनल ई इज रिप्लेस बाय ओ, ठीक है, बेंजीन में क्या आता है ई, बेंजो, इसी तरह बेंजो ओ लगा देंगे, बेंजो जो भी आगे होगा. द बॉन्ड ऑफ द बेस कंपोनेंट आर अल्फाबेट अल्फाबेटलाइज विद कंसेक्यूटिव इटैलिक लेटर स्टार्टिंग विद ए फॉर ए जो होगा वन टू बॉन्ड, जो वन टू बॉन्ड है इसके लिए हम इटैलिक में क्या लिखेंगे, यानी वन टू बॉन्ड के लिए ए, ठीक है, ये एक रूल हो गया. द एटम्स आर अदर कंपोनेंट्स आर नंबर इन द नॉर्मल वे वन टू थ्री, जो है अदर एटम्स उनको वन टू थ्री कहेंगे इन द प्रिंसिपल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग. तो जो प्रिंसिपल होगा उसका लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग का, तो वो हम उसको देखेंगे, ठीक है. तो द एटम जो होगा, दो एटम्स कॉमन टू बोथ रिंग, जो एटम कॉमन है दोनों रिंग्स में, ठीक है, बोथ रिंग साइड ऑफ द फ्यूजन आर इंडिकेटेड, यानी फ्यूजन जो फ्यूज हो रहा है वहां पे कॉमन हो नाइट्रोजन, सपोज यहाँ नाइट्रोजन आ जाए तो ये दोनों में हेटरो एटम कॉमन हो सकता है, आर इंडिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट लेटर एंड नंबर एंड आर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, ठीक है, नंबर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है यहाँ पे प्रीफिक्स उसके बाद ही हम लिख देते हैं. प्रीफिक्स यहाँ पे क्या आ गया, सपोज यहाँ पे क्या था बेंजो, आगे जो भी होगा फाइव मेंबर, तो बेंजीन, यानी प्रीफिक्स जो है अटैच कंपोनेंट है, बेस कंपोनेंट हो गया तो बेस कंपोनेंट ये हो गया, अटैच कंपोनेंट ये हो गया, इस तरह हम उसको करेंगे, ठीक है. द नंबर्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट आर प्लेस इन द सीक्वेंस इन विच दे आर अटैच टू द बेस कंपोनेंट, तो जैसे कि वो बेस कंपोनेंट्स में है. तो हम इस कुछ एग्जाम्पल आपको ये कराते हैं, देखते हैं तो इसको करना कैसे है. आपके पास ये फाइव मेंबर रिंग है, ठीक है, दो फाइव मेंबर रिंग है इस तरह. तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर लेते हैं या सल्फर कर ले, सल्फर या ऑक्सीजन कर लेते हैं, ठीक है. अब ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सेचुरेशन, तो सेचुरेशन होगी इसमें, नहीं होगी अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड है.
तो अब इसको आपने क्या करना है, सिंपल ये किसके बराबर है, इसको अगर हमने पढ़ा तो पहला रूट डाइसेक्शन करनी है, यानी कि अलग अलग इनको सेपरेट लिखें, तो ये फाइव मेंबर रिंग एक हो गया, दूसरा फाइव मेंबर रिंग, ठीक है यहां पे कर लेने की बात है, ये स्थान कर, ठीक है, तो एक फाइव मेंबर ये रिंग हो गया, एक फाइव मेंबर ये रिंग हो गया, ये रूल पढ़ा था आपने। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल जो की थी याद हो आपको कि नाइट्रोजन, उसमें टू नाइट्रोजन थे, ठीक है, इसमें भी टू, जो हमने एग्जाम्पल अभी की थी ना, दो नाइट्रोजन, वन फोर पोजिशन है, तो ये एरोमेटिक एंड के डबल बॉन्ड्स फुलफिल कर देते हैं, ठीक है, एरोमेटिक्स में लेकिन हाँ ठीक है, आई होप तो मिस्टेक, ये भी तो है ना एरोमेटिक, वरना वो sp3 हाइब्रिडाइज इस तरह हम करवा। तो अब इसको आप सेपरेट कर लें, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 यानी जब आप नाम नेम के लिए जाएंगे, नेमिंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको अलग अलग लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक, आपकी जो सिंगल हेट्रोसाइक्लिक बनती है वो कौन कौन सी है, ठीक है, ये दोनों से मिक्स अगर हम करते हैं तो फ्यूज होता है, ठीक। तो इसमें आपने क्या करना है, इफ द पोजिशन ऑफ फ्यूजन इज ऑक्युपाइड बाय हेट्रो एटम्स, एक तो ये रूल पढ़ा था ना हमने किस तरह उसको सेपरेट डाइसेक्शन करना है, ये शुरू में मैंने रूल बताया था आपको, आपका होगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको कर दूं कि जो अभी हम ने कहा था कि दोनों हेट्रो एटम जो है वो दोनों रिंग के साथ होगा, सपोज यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, फ्यूज रिंग है, तो यहां पे हम इस तरह, अब इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो दोनों साइड पे नाइट्रोजन आपका मौजूद है, ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन फ्यूज रिंग का हिस्सा है। इफ अ पोजिशन ऑफ फ्यूजन इज ऑक्युपाइड बाय अ हेट्रो एटम, जैसे कि ये है हेट्रो एटम, बोथ द कंपोनेंट रिंग सिस्टम आर कंसीडर टू पजेस द हेट्रो एटम, तो दोनों को जब आप सेपरेट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह में पहले पांच मेंबर रिंग बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके भी यहाँ पे नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, तो बेटर यहाँ इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आप इसको जो सेपरेट करेंगे तो नाइट्रोजन लिखेंगे। इस तरह क्यों करना पड़ेगा, जब आप नेमिंग देने जा रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस तरह नहीं लिखेंगे, तो सेपरेट करके लिखेंगे, एक्चुअल तो प्रोडक्ट यही है आपका, एक्चुअल हेट्रोसाइक्लिक, तो नेमिंग करने के लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक जो है बेस होगा और एक अटैच कंपोनेंट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये आपने उसको देखना होगा कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ है, ठीक है, एक जो भी होगा। आगे चलते हैं हम इसको, ठीक है, आगे करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो ये आप कुछ रूल समझ आए होंगे, तो अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजो फ्यूज सिस्टम, यानी जिसमें बेंजीन रिंग होता है, अब कह रहे होंगे इसका नाम, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसका नाम प्रॉपर, पहले तो आपने रूल समझ लिए होंगे कि रूल्स क्या है, को किस तरह दो फ्यूज रिंग को लिखते हैं, तो अगर हम पहले टाइप कर लेते हैं कि बेंजो वाले जो है, बेंजो जो फ्यूज सिस्टम है ना उसको हम लेंगे, यानी बेंजीन उसमें रिंग होगा, बेंजो फ्यूज सिस्टम के नोमेनक्लेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बेंजो फ्यूज सिस्टम में क्या होता है कि एक इसमें बेंजीन है, ये जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, तो वन बेंजीन रिंग हो गया आपके पास, ठीक है, सपोज इसमें और कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये हो गया और इसमें दो सैचुरेटेड बॉन्ड, तो ये कितने मेंबर रिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, ठीक, तो अब इफ बेंजीन इज फ्यूज टू द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो अगर बेंजीन जो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम हेट्रोफ्यूज साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है तो क्या करेंगे, द कंपोनेंट, ठीक है ना, द कंपाउंड इज नेम बाय प्लेसिंग द नंबर इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द हेट्रो एटम, तो हेट्रो एटम की जो पोजीशन है उसको हमने बताना होगा, ठीक है ना, कौन सी पोजीशन पर है वो हेट्रो एटम फ्यूजिंग से, बिफोर द प्रीफिक्स बेंजो, यानी आपने जो प्रीफिक्स यूज करना है बेंजीन का, बेंजीन का जो है वो बेंजो होगा,
इससे पहले जो हेट्रो एटम्स का ये नंबर बनता है, जो भी बनता है कि ये यहाँ से 1, 2, 3, ठीक है, या यहाँ से 1, 2, 3, 3 पे बेंजीन है ना, 1, 2, 3, थर्ड पे बेंजीन, थर्ड कार्बन पे बेंजीन लगा हुआ है, तो आपने उससे प्रीफिक्स से पहले लिख देना है ये 3 बेंजीन। तो अगर आपको याद हो कि ऑक्सीजन के लिए हमने क्या लिखते हैं, ऑक्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ऑक्स, ठीक है ना, ऑक्सा या जो भी ऑक्स, ऑक्स और 7 मेंबर रिंग के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, EPIN जो था ईपाइन, तो ईपाइन जो है वो 7 मेंबर रिंग के लिए होगा, ईपाइन, ठीक है, तो ये शो करता है 7 मेंबर रिंग है हेट्रोसाइक्लिक की। बेस, बेस जो आपने शुरू में पढ़ा था, बेस, बेस ये है, ऑक्स ईपाइन, ऑक्स ईपाइन और बेंजीन एक तरफ, उसको बेंजो। तो अब क्या आ रहा है इसको, इसमें जो है डबल ओ आ रहा है, तो हम इधर सिंगल यूज करेंगे, बेंजो ऑक्स ईपाइन, ठीक है, ईपाइन, तो इससे पहले गया 3, यानी 1, 2, 3 थर्ड पे होगा, तो ये इसका नाम बन गया, एक ऑक्सीजन जो है इलिमिनेट कर देंगे क्योंकि दो यूज नहीं होते, बेंजोक्साइन, बेंजोक्साइन, तो वैसे बेंजो होता है लेकिन बेंज ऑक्सपाइन, बेंजो ऑक्सपाइन, ठीक, वो हम फ्यूचरिंग ही पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रायोरिटी का जो होता है कि प्रीफिक्स का तो आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए ऐसा, और थाया, फॉस्फा हम यूज करते हैं, और जो मैं थोड़ा सा और प्रीवियसली जो फर्स्ट लेक्चर में था, थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ कि 3 मेंबर होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिस मेंबर रिंग हो सकता है। तो आप ये याद रखें कि अगर आई आर के तौर पर लास्ट में आ रहा है, जैसे ऑक्सीरीन, ऑक्सीरेन, यहाँ पे मैं लिख देता ना, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सा ई आर, और सेचुरेशन है तो वो ए एन आ जाएगा, तो ये आई आर जो है इसमें आपको बताता है 3 मेंबर रिंग है। अगर ई टी जो प्रीफिक्स के साथ, प्रीफिक्स के बाद यानी ऑक्साइजा और इनके बाद अगर आपके पास ई टी आ रहा है तो 4 मेंबर रिंग है। ओ एल अभी हमने देखा था, ऑक्साजोल, ठीक है ना, ऑक्सीजन और ऑक्साजोल का मतलब ए जेड भी है उसमें, तो वो नाइट्रोजन भी है, आई एन जो है वो 6 के लिए होगा, ठीक है, जिसमें आई एन आर होगा, और 7 के लिए अभी हमने पढ़ा था ईपाइन, ठीक है ना, ए ई पी जो कि आपने देखा होगा हेप्टा, ठीक है ना, ट्राई जो है, ट्राई, तो आई आर जो है वो अगर हम इसको उल्टा पढ़े, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, टी आर आई, इसको इस तरह रिवर्स पढ़े तो ट्राई, ट्राई से आपको याद रहेगा 3, ठीक है, और इसी तरह टेट्रा, तो हम पढ़ते हैं टेट्रा, तो ये आर ए रिमूव कर देते हैं, तो ये 4, ठीक है, तो इसी तरह जैसे तरह हेप्टा, तो हेप्टा में जो है वो ये हेप्टा, तो हेप्टा मीन 7 होता है, हेप्टेन आपको याद हो, तो ई बी उससे ड्राइव किया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो आपका ऑक्टेन है, ऑक्टा या ऑक्टेन, ओसी जो है वो 8 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह नोना, नोनेन, तो नोनेन का ऑयल ले लिया, ठीक है, फिर डी का, डी का क्या मतलब है, डी का, डी का, तो डी का, डी का, तो इसमें ई सी ले लिया, तो डी और ये रिमूव, तो ये इस तरह ड्राइव किए गए हैं। तो ये नंबर ऑफ द साइकिल्स आपको, ये थोड़ा सा मैंने कहा ये वो जो लेक्चर्स में शायद कंफ्यूजन हो, तो आपको इस तरह ये याद रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर अगर आपको याद है, ट्राई से आई आर निकला है और ये सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना था, उसमें जो हमने टेबल में देखा था कि अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड सब में क्या लग जाएगा, ए एन ई, ठीक है ना, ए एन ई, इसी पे तरह एनएनएन, एटेन, ओलेना, एनएन, ईपाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। और अनसैचुरेटेड है तो डिपेंड करता है कि कहां पे आई एन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये तो सैचुरेटेड के लिए एन लग गया, नाइट्रोजन के लिए जो सैचुरेटेड के लिए वो मैं अलग आपको बता दूं, उसके लिए आई डी आई एन ई एडीन, ठीक है, तो ये आपने इजाफा करना है किसमें, 3, 4 और 5 मेंबर्स में, इडीडीन
ठीक है ना, इरिडीन, इटिडीन और ओलिडीन, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो होगा सैचुरेटेड, नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड होगा, उसके साथ आपने ये कर देना, बाकी ज्यादातर नॉर्मल होगा। तो एन तो आप समझ आ गया, ओकेन, ठीक है, जितने भी सैचुरेटेड है, इरेन, इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, ओनेन, इकेन, ठीक है, तो ये आपका आसान है। लेकिन जो है अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड के लिए आपने क्या करना था, किस चीज का इजाफा होता है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा ये भी आपको दोबारा रिकॉल करा दूं कि ताकि आप कर सकें। तो इसमें क्या है, आई एन ई का इजाफा कर देना है, इसमें ई का इजाफा कर देना है, ठीक है ना, ओ ऑयल में भी ई का इजाफा कर देना है आपने, ई पाइन में आई एन ई का जो इधर किया था तीन मेंबर में, वही सिक्स मेंबर में आपने कर देना है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप सेवन मेंबर और एट मेंबर सब में आई एन ई का इजाफा कर देंगे, तो ठीक है, तो आप चाहें तो मैं लिख देता हूं आई एन ई, ये अनसेचुरेशन के लिए हम करेंगे। तो ये टेबल जो आपने शायद याद ना हो तो फिर आपको इस तरह के, अगर आप नंबर याद कर लें, आई आर 43, ई टी 44, ओ एल 45, आई एन 4 जो है 6, ई पी 47, ठीक है, ये आपने याद करना है, ठीक, आई होप कि इस तरह आपको आसानी हो जाएगी, तो आप याद कर लीजिएगा। तो ये एग्जांपल्स भी आप उसमें से और एग्जांपल भी एंड में करा दूंगा, तो कि आपको ये परेशानी ना हो, ठीक ठीक है, आई होप कि ये आपको थोड़ा सा वो जो है रिकॉल करने में आसानी होगी। अच्छा, वो प्रायोरिटी वाला जो था बीच में आ रहा था हमारे, तो प्रायोरिटी का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कैसे देना है। सपोज आपके पास ऑक्सीजन है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन, इसी तरह फॉस्फोरस, ठीक, और लोएस्ट प्रॉपर्टी पे जो है फॉस्फोरस है, और इसी तरह पे कार्बन है और बोरोन है। तो हम हाईएस्ट प्रॉपर्टी, हम ये कह रहे हैं कि ये लोएस्ट है, ठीक है ना, सबसे, और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो ऑक्सीजन को आप हाईएस्ट देते हैं। तो हम पहले क्या है प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, फिर सल्फर का है अगर सेलेनियम का होगा इस तरह, फिर ये आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर ये आपके पास कार्बन, ये आप इस तरह जाते हैं, ठीक है, एरो, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद बोरोन। तो ये प्रायोरिटी, यानी कि आप अगर यहां से चलें ये टेल, ठीक है, यूज करें, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड बोरोन, ये प्रायोरिटी आपको मैंने कहा बता दूं, ताकि वो अगर जो बीच में अगर कहीं कंफ्यूजन थी, रह गई थी कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहां से आप प्रायोरिटी को देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉमन नेम कुछ बार बार आ रहे थे, तो वो मैं आपको मैं बता दूंगी कॉमन नेम यूज होते हैं, जो कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि फाइव मेंबर ऑक्सीजन वाला जो था, हम इसको क्या कहते हैं, ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये यूज होते हैं आपके, ये जो है वो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में यूज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम सल्फर लगाते हैं, ठीक है, सल्फर अगर आपके पास आ जाता है तो सिर्फ थायोफीन, इसको फिरोन कहेंगे, और थायो टी एच आई थायोफीन, ठीक है, थायोफीन कहेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग है आपके पास, तो क्या होगा, इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि पायरोल, ठीक है, पायरोल, ये कॉमन नेम जो कि यूज होते हैं। पिरिडीन है, पिरिडीन तो आपको पता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, पिरिडीन। इडीन आ रहा था, आपने नोट किया हो कुछ कि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए आई डी आई एन ई यूज कर रहे थे, तो पिरिडीन, पिरिडीन में भी देखना पायर और फिर इडीन आ रहा है। तो ये कॉमन नेम जो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट नेम्स जिन सिस्टम विच आर
नेम वाइडली नोन विद देयर नॉन सिस्टमैटिक, ठीक है ना, नॉन सिस्टमैटिक मतलब जो कॉमन नेम है वो यूज किए जाते हैं। और ये इसी तरह फिरौन को आप फिरौन कहेंगे, जैसे आपने टीएच पढ़ा होगा टेट्राहाइड्रोफिरौन है, ठीक। इसी तरह हम जो है वो अभी आपने हमने फ्यूज रिंग में ये इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि आपको फ्यूज रिंग में सेपरेट करेंगे तो आपको दोनों के नाम पता होना चाहिए। सिक्स मेंबर हमें या आपको याद हो कि मैंने अभी फ्यूज रिंग में जो है सिक्स मेंबर आपको पढ़ाया था जिसमें दो नाइट्रोजन है कंटेनिंग, ठीक है। तो ये भी पाइरिडीन से निकला है लेकिन AZ का इजाफा कर दिया क्योंकि इसके बाद एक नाइट्रोजन है IN क्योंकि ये सिक्स मेंबर है तो पाइराडीजीन होगा ये, ठीक है, IN पाइराडीजीन, ठीक। तो ये रिंग आपको हेल्प करेगी। और इसी तरह फ्यूज रिंग, जो कुछ फ्यूज रिंग है जो कॉमन नेम यूज होते हैं जैसे कि बेंजीन के साथ हमने पहले भी बनाया था कि बेंजीन है और इसके साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला जो है वो ये है। तो ये इस वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, पॉपुलर है, इसको क्या कहते हैं एंडोल, एंडोल इस वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक एंडोल ओएच, ठीक है। एंडोल में क्या है, ये एंडोल हेट्रोसाइक्लिक मैनी हेड्रॉक्स जो है बहुत ज्यादा मेडिसिन के अंदर ये एंडोल की इंपॉर्टेंस या बायो एक्टिविटी रखने वाला होता है और ये एंडोल ही यूज होता है। इसी तरह क्यूनोलिन बेंजीन के साथ हम यहाँ कहते हैं ना क्यूनोलिन में क्या है, सिर्फ यहाँ पे बेंजीन का इजाफा हो गया तो ये क्या हो गया क्यूनोलिन हो गया, ये हमने अभी भी पढ़ा था क्यूनोलिन, ठीक है। इसी तरह आइसो क्यूनोलिन, तो आइसो क्यूनोलिन में क्या होगा, आइसो क्यूनोलिन है ना, अगर इससे पहले हम आइसो लगा दें तो आइसो का मतलब आइसो क्यूनोलिन क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन जो है उसकी पोजीशन जस्ट चेंज है आइसो क्यूनोलिन। इसी तरह क्यूमेरीन है, क्यूमेरीन जो है वो आप क्यूमेरीन भी जो है वो इंपॉर्टेंट बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर है सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है। इसके अंदर जो डिफरेंट जो एक चीज है इसमें ईस्टर ग्रुप कहने ये जो साइक्लिक ईस्टर जो है आपके पास होगा बाकी बेंजीन ये है, तो इसको क्या है क्यूमेरीन, ये कॉमन नेम है इसका और ये कॉमन नेम ही इसका यूज होता है क्यूमेरीन, ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें। तो ये कुछ ऐसे हेड्रोसाइक्लिक हैं जिनके कॉमन नेम यूज होते हैं और पिरिडीन तो आप देख चुके हैं। और इसी तरह अगर पिरिडीन के मैं एक और चीज इसमें बता दूं आपको कि क्या होगा कि सपोज आपके पास पिरिडीन है, ये तो आपको पता है पिरिडीन, लेकिन अगर नाइट्रोजन वन नाइट्रोजन सिक्स मेंबर कंटेनिंग है कोई भी, तो अगर इस तरह है तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो है वो सैचुरेटेड आ गया, तो सैचुरेटेड में क्या है एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे तो 1,4-dihydro, यानी एक हाइड्रोजन का यहाँ पे इजाफा हुआ और एक का यहाँ पे हुआ, इसकी 3-hybridize हो गया तो 1,4-dihydro, बस आपने करना है dihydro, बाकी हम क्या कहते हैं इसको पिरिडीन। पिरिडीन में क्या है दो एक दो यानी दो हाइड्रोजन का इजाफा है तो वो हमने पहले मेंशन कर दिया 1,4-dihydropyridine, ठीक है, पिरिडीन लिख देंगे तो ये आपने करना होगा। इसी तरह पोजीशन जो है इसकी आप चेंज कर सकते, सपोज अगर के पास ये वाला नहीं है तो यहां हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये 1 है, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहां पे आप क्या करेंगे सिर्फ 2-3 2,3-dihydropyridine हो गया। तो ये कॉमन नेम ही कुछ ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम ही यूज होते हैं, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कॉमन नेम क्या होते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो ये क्योंकि बार बार उसमें फ्यूज रिंग में भी आ रहे थे ना, अब सपोज आपके पास इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि जो है वो कंबाइन इन सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन है, जो कि आपने देखा होगा बायफिनाइल नॉर्मली होता है, तो आपके पास ये यहाँ पे हेट्रो एटम है, तो अगर हमारे पास हेट्रो एटम हो, ठीक है, एक ये हो गया ये नंबर नहीं, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया दूसरा यहाँ पे इधर भी नाइट्रोजन वही पोजीशन, तो एक को अटैच कर देते हैं, तो ये क्या होगा ये 1
ठीक है, ये टू और ये टू डैश हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा वन डैश वन टू, ठीक है। तो ये हम इसको प्राइम या टू टू प्राइम टू टू प्राइम, ठीक है। अब दो जैसे बाई फिनाइल करके इसका, तो यहाँ पे हमने बाई लिख दिया क्योंकि दोनों प्रीटीन है और दोनों की पोजीशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, सिर्फ आपने क्या करना है बाय प्रीटीन, ठीक है ना, बाय प्रीटीन आपने इसको कर देना है। इसी तरह अगर थायोफीन है बाय थायोफीन कर दें, दो अटैच हैं टू टू फोर थ्री जो सोन, या तीन स्ट्रक्चर आपके पास अटैच हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अटैच कर दें सल्फर वाला कंटेनिंग, ठीक है, फाइव मेंबर रिंग थायोफीन या जो भी था, तो इसको अगर हम एक और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम इसके बना देते हैं, यानी दो साइकिल फ्यूज थी यहाँ पे, हम तीन थ्री साइकिल फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी थ्री साइकिल्स, तो इसको इस तरह करते हैं, ठीक, तो तीनों जो है वो आइडेंटिकल होंगे यहाँ पे सल्फर वाला, लेकिन ये क्या है सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेशन है इसमें सब में, तो हम इसको अनसैचुरेटेड कर देते हैं, ठीक। तो अब आप नंबरिंग जो है वो कैसे करेंगे इसको, वन ये टू, ठीक है, तो इसी तरह हमने कहा था टू प्राइम, ठीक है, टू प्राइम और ये वन प्राइम होंगे, तो वन थ्री प्राइम ये फोर प्राइम, ठीक, और यहां पे क्या होगा वन डबल प्राइम टू डबल प्राइम, तो आपके समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम यहां पे आपको बता देते हैं कि क्या क्या कनेक्ट है, तो टू और टू टू प्राइम ये बॉन्ड कनेक्ट है, और दूसरा कौन सा बॉन्ड कनेक्ट है फोर और थ्री, फोर और थ्री डबल प्राइम, ठीक है, और ये कितने हैं, ठीक है, एक दो तीन टर्ड, तो इसके लिए आपने ये यूज करना है टर्ड थायोफीन, टर्ड थायोफीन, ठीक है। तो ये है यानी सिंगल बॉन्ड, आइडेंटिकल सिस्टम कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, अगर आइडेंटिकल हो वो सिंगल बॉन्ड से हो, सच कंपाउंड आर डिफाइंड बाय द प्रीफिक्स बाय, बाय मींस टू, टर्ड मींस टर्शरी से निकला है थ्री, क्वार्टर यानी क्वार्टर मींस फोर, इसी तरह सो ऑन आप उसको अटैच करेंगे, तो बाय फिनाइल और ट्राई फिनाइल और इसी तरह टर्ड थायोफीन ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम जो फ्यूज रिंग सिस्टम था उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो वो मैंने थोड़ा सा इसको रिकॉल किया है ताकि हम फ्यूज रिंग पे ही वापस चलते हैं, फ्यूज रिंग, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रूल्स कुछ पता है, बाकी हम इसकी जो है वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, प्रोटीन है और फ्यूज रिंग आता है प्रीडीन के साथ, ये हेटरोटम के साथ फ्यूज रिंग हो रहा है, व्हेन नेमिंग सच अ कंपाउंड द साइट ऑफ द हेटरोसाइक्लिक रिंग इज लेबल्ड बाय द लेटर्स ए बी सी, यानी हम इसको बॉन्ड जो है वो नंबरिंग करते हैं ए बी सी डी, तो ये जो बॉन्ड है इसको आप नंबरिंग कर दें प्रीडीन की, ठीक है, ए बी सी स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम नंबर वन, यहां से हमने करना वन से कार्बन तक ए होगा, ठीक है, ए बीम बिटवीन एटम वन एंड टू, साइड बी बिटवीन एटम टू एंड थ्री, ठीक है, और थ्री और फोर में सी होगा, और वन टू थ्री फोर, फोर और फाइव में डी, फाइव और सिक्स में जो होगा ई होगा, वन और सिक्स में या सिक्स और वन में भी एफ होगा, तो ये आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे आगे लेटर यूज होते हैं जो नेमिंग हम देते हैं फ्यूज रिंग में, तो फ्यूज रिंग में तो वो नेमिंग आपने करनी है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा आपको जनरल वो बताया ताकि वो आपको पता हो। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपके पास बेंजीन वाला जो था, ठीक है, बेंजोफिनोन और ये जो भी है ये, अब अगर हम देखें, ठीक है,
तो हेटरो एटम्स को मैंने कहा था अपनी याद हो के नेम ऑफ हेटरोसाइट इज चूजिंग एज अ पेरेंट्स कंपाउंड या बेस कंपाउंड जो होगा या पेरेंट्स कंपाउंड होगा हेटरो एटम होगा एंड द नेम ऑफ द फ्यूज रिंग इज अटैच जो एज अ प्रीफिक्स जो अटैच है वो बेंजीन वो प्रीफिक्स होगा द प्रीफिक्स इन द सच नेम हैज एंडिंग ओ यानी बेंजो नेप्थो और सो ऑन तो अब यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये 1 और 2 ए बॉन्ड होता है और 2 और 3 क्या होगा बी ठीक है तो ये क्यों क्योंकि ये वहां पे आपको अगर इसको अगर हम लिखेंगे तो आपने क्या करना है ये क्या है फिरोन मैंने कहा था ना आपने इसको सेपरेट करना है और ये क्या है बेंजीन ठीक है बेंजीन दोनों को कंबाइन किया है तो दोनों जो है फ्यूज किस बॉन्ड से हो रहे हैं वो बी बी वाले बॉन्ड से हो रहे हैं ए बी सी डी ई तो ये बी से हो रहे हैं अगर यहां फ्यूज होता तो ये सी हो जाता बॉन्ड तो दोनों इसका आ जाएगा बेंजो ठीक है ना ओ का इजाफा कर देंगे और यहां फिर कॉमन में यूज होता है ठीक है बेंजोफिनोन तो ये आप देख सकते हैं कि बेंजोफिनोन इसी तरह अगर आपके पास बेंजो बी पिरिडीन है मैं नाम लिख देता हूं उससे आप बनाना चाह रहे हैं बी पिरिडीन ठीक है आपके पास पता चल गया इससे कि एक तो पिरिडीन एक बेंजीन है ठीक है आपने क्या है पिरिडीन का स्ट्रक्चर है और एक बेंजीन है दोनों क्या हो जाएंगे फ्यूज हो गए तो आपके पास फ्यूज रिंग इस तरह आएगा और ये बी है ये याद रखना तो यहां पे अगर हम देखें तो ये ए है और ये बी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्यूज होंगे बी वाला ना कि ए के साथ तो यहां पे आप क्या करेंगे इसको फ्यूज रिंग करा देंगे और इससे नेमिंग आप कर सकते हैं तो ये हमने नेम से जो है बेंजो बी पिरिडीन तो ये ए बी ये बी सी डी आपको हेल्प करेगा कि बेंजो पिरिडीन इसी तरह अगर आपके पास हम एक और नाम लिखूं उससे हम स्ट्रक्चर बनाए बेंजो बी ठीक है या सी कोई और एग्जांपल ले लें थायो थायो मींस सल्फर कंटेनिंग थायोफीन कर लें ठीक है तो अब क्या है आपके पास थायोफीन क्या होता है आपके पास सल्फर ये थायोफीन है बेंजीन का मतलब बेंजीन होता है आप बेंजीन लिख दें ठीक है अब हमने नंबरिंग ये याद रखना है यहां पे सी है तो ए वाला है बी है सी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ये फ्यूज होगा इस तरह ठीक है तो अब हम इसको इस तरह कर देते हैं ठीक है ये वाला जो है बॉन्ड ये आ गया फ्यूज ठीक है आपके पास इसको अगर हम यू करेंगे तो ये आपका यू सल्फर इस तरह आ जाएगा और इसको अगर जो है वो इसको बॉन्ड इस तरह कर दे ठीक है क्योंकि वो एरोमेटिसिटी की होगी तो अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं क्या ये सी है तो यहां से करें ए बी यस इट्स सी बॉन्ड फ्यूज रिंग तो बेंजो सी थायोफीन जो फ्यूज रिंग है उसको आप नंबरिंग इस तरह दे सकते हैं ठीक है बेंजो डी थायोफीन कर दें या बेंजो सी कर दें जो भी है आप बॉन्ड बनाते जाएं स्ट्रक्चर्स जो है वो आप इसको इस तरह करते जाएंगे सपोज आपके पास अगर है बेंजो यानी बेंजीन कंटेनिंग जो होगा बेंजो डी कर दें ठीक है ना ब्रैकेट में जो डी है इसका मतलब फ्यूज रिंग जो हुआ डी वाला बॉन्ड जो है वो रिंग हुआ है थायो ठीक है थायो थाई बाइंड कर लेते हैं हम ठीक ये आपके पास आ गया तो आपको पता है सेवन में हेप्टा हेप्टा यहां पे आप देख लेना कि हमने बेंजो ये हेप्टा हेप्टा से निकला है सेवन मेंबर हेटरोसाइक्लिक है थाया थायो ठीक है ये सल्फर है ये सेवन मेंबर रिंग है तो आप देख लें और ये बेंजीन है ये तो क्लियर हो गया बेंजीन सेवन मेंबर और ये अनसैचुरेटेड सेवन मेंबर रिंग है तो आप इसको बेंजीन बना लें ठीक है ये बेंजीन हो गया और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा पहले हम सेवन मेंबर बना लेते हैं फिर एबीसीडी बॉन्ड देख के उसके हिसाब से कर लेंगे तो ये आपका सेवन मेंबर ठीक है मैं दिखा रहा हूं
एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन मेंबर रिंग बन गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे दोबारा चेक कर लें, मैंने आपको कर दिया कि सल्फर ए बी सी और ये डी, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो फ्यूज रिंग वाला डी वाला ही है, तो बेंजो डी थायर इपाइन। तो यहां से आपको इपाइन थाय सल्फर इपाइन सेवन इन सैचुरेशन को शो करता है बेंजो थायोटिन। तो ये आपको हेल्प करेगा यानी फ्यूज रिंग सिस्टम में नेमिंग करने के लिए, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप हम आगे चलते हैं और ये जो है वो एग्जांपल कुछ कर सकते हैं। सपोज आपके पास वन मिथाइल, ठीक है, अगर कोई सब ब्रांच आ जाती वन मिथाइल, ये याद रखें वन हम किसको कहते हैं, इंडाजोल, वन मिथाइल इंडाजोल। अब ठीक है ना, वन मिथाइल इंडाजोल, तो इंडाजोल इंडोल जो था आपको याद हो, इंडोल ये याद रखना, इंडोल ऑलरेडी नाइट्रोजन कंटेनिंग है फाइव मेंबर, एजोल तो एजोल, ठीक है ना, एजोल जो आ गया इसमें, तो ये किस चीज को शो करता है। अब मैं हम बना देते हैं इंडोल पहले, अगर आपको याद हो कि इंडोल जो है वो क्या होगा, ये इंडोल था, ठीक है, तो इंडोल ये हो गया, और यहाँ इंडोल को मैं स्ट्रक्चर ही बना दूंगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर कि ये ऑलरेडी इंडोल है, ठीक है। अब क्या है, वन मिथाइल, अब क्या हो गया आपके पास वन मिथाइल है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पे मिथाइल लग गया इंडोल में, लेकिन इंडाजोल है यानी एजेड एजोल इंडाजोल आ रहा है, तो वो जो है वो नाइट्रोजन आपके अंदर आ जाएगा, ठीक, और ये आपके पास, तो ये आपका हो गया वन मिथाइल इंडाजोल, वन मिथाइल यानी नाइट्रोजन पे जो वन लगा हुआ है, वन मिथाइल इंडाजोल, इसको हम कहेंगे कि इसको इस पर हम ब्रांच के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है आगे भी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, नोमेनक्लेचर आप पढ़ रहे हैं इसमें, नोमेनक्लेचर किया है, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कंटिन्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम इस पर बना रहे हैं, तो आपसे यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको आने वाले जो न्यू लेक्चर्स जो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।